मिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरबेली के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से हुई फायरिंग, दो नक्सली गिरफ्तार, बाकी भागने में कामयाब। एक पर 4 लाख का तो दूसरे नक्सली पर था 25,000 का इनाम। भरवेली के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी, गृहस्थी का सामान हुआ खराब, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के परिजनों ने मचाया जमकर हंगामा, अव्यवस्थाओं के बीच महिला चिकित्सकों पर लगाए कई गंभीर आरोप। बारिश से कोसमी के कई घरों में घुसा पानी, जनप्रतिनिधियों ने किया श्रमदान। और जनसुनवाई में पहुंचे 1 सैकड़ा से अधिक फरियादी। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन नक्सलियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। पुलिस की टीम और हॉकफोर्स के जवान ने देवरबेली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद यह सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए दोनों नक्सली राजनंदगांव जिले के ग्राम भावे के निवासी हैं। इनमें से मुन्नालाल बरकड़े पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि इंदल पर 25,000 रुपए का इनाम था। गिरफ्तार किए गए दोनों नक्सलियों को अदालत में पेश किया गया, वहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 9 जुलाई को टाडा दलम के 15-20 नक्सली देवरबेली के जंगल में कैंप लगाकर रुके हैं। इस पर हॉकफोर्स की 4 पार्टी बनाकर वहां भेजी गई। इस पर सर्चिंग करते हुए जब पुलिस पार्टी शक्ति कसा पहाड़ी पहुंची तो तेज बारिश होने लगी और नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को देखते हुए अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। अपनी रक्षा के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की, नक्सली भागने लगे। इसी दौरान 2 नक्सली पहाड़ी से फिसल कर गिर गए। पुलिस ने दोनों की घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया नक्सली मुन्नालाल दोनों दलम का सक्रिय सदस्य है, जबकि दूसरा नक्सली इंदल जन मिलिशन सदस्य के रूप में नक्सलियों का सहयोग करता था। पुलिस पार्टी ने बाकी नक्सलियों का भी पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा नक्सलियों के ठिकानों से काफी सामग्री जब्त की गई है, जिनमें भरमार राइफल, कुल्हाड़ी, चाकू, हरे रंग की वर्दी, गन पाउडर, SLR राउंड, AK-47 राउंड सहित कई सामान शामिल हैं। अभी जिला बालाघाट पुलिस के द्वारा जो हमारे एरिया डोमिनेशन चलता रहता है और हमारी जो पुलिस पार्टियां सर्चिंग करते रहते हैं, उसके दौरान कल कुछ सूचना मिली थी तो पुलिस पार्टियां रवाना हुई थी। उसमें हमारे SP साहब भी थे, इसमें उनके नेतृत्व में। ये छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली है, मुन्नालाल वरखड़े है, 42 साल का है। उसके ऊपर 3 लाख छत्तीसगढ़ में इनाम है और यहाँ मध्य प्रदेश में 1 लाख है, कुल 4 लाख का इनाम है उनके। और उसके साथ ही एक इंदल सिंह है, वो भी कल हमारी सर्चिंग में उन्हों सूचना मिली तो सर्चिंग के दौरान हम चेकिंग करते दौरान वो फायरिंग हुआ था आपस में और उसमें पकड़े गए थे वो, बाकी लोग भाग गए थे। ये अभी अरेस्ट किया गया है, कल ही अरेस्ट किया गया है और ये बालाघाट पुलिस का काफ़ी बड़ी उपलब्धि है पिछले दिनों में। सर, जो गिरफ्तार हुए नक्सली क्या किन किन घटनाओं में शामिल रहे हैं, क्या इस तरह का इनपुट है इनको लेकर? जो पकड़ा गया है ये मुन्नालाल वरखड़े हैं, पिछले 15-17 साल से नक्सली मूवमेंट में हैं। हालांकि वो जन मिलिशिया से शुरू होके संगम सदस्य बोलते हैं वहाँ से शुरू करके वो अभी दलम का मेन मेंबर बन गया है। ये पुलिस मुखबिर का मर्डर में भी शामिल था और जहाँ जहाँ
लैंड माइन्स लगाना भी काफ़ी शामिल था उसमें, वो उसका हमको पता चला है, हमने इसमें रिकवर भी किया है उसमें। कितने का इनाम ये मोहनलाल पे तो 4 लाख है और इंदर सिंह पे 25,000। बीती रात चंद घंटों की हुई मूसलाधार बारिश ने जिला मुख्यालय के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाई है। इस मूसलाधार बारिश में परसवाड़ा क्षेत्र के 50 से अधिक मकान धराशायी हो गए, तो वहीं आदर्श ग्राम पंचायत भरवेली के कई वार्डों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिसके चलते लोगों के घरों में सड़कों व नालियों का पानी घुस गया और उनकी गृहस्थी का सामान पानी में बह गया। वहीं बरसात के लिए जमा किया गया राशन के अलावा बिस्तर और घर का अन्य सामान पानी में गीला हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर चकाजाम कर दिया। सोमवार शाम को हुई बारिश में कई वार्डों में अब भी जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, जिसकी शिकायत को लेकर ग्रामीण ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी ना मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इस दौरान वार्ड नंबर 15 निवासी श्रीमती अनीता धुर्वे ने बताया कि बारिश होने से सड़क और नालियों का पानी उनके घर में कमर तक घुस गया है, जिसके चलते उनका गृहस्थी का सामान गीला हो गया। अनीता धुर्वे कौन सा वार्ड में? 15 पानी गिरा है, नाला है। हाँ। तो पानी पूरा नाले का पानी पूरे घर, सबके 3-4 जन पूरे के घर पे, पूरे मोहल्ले में पानी घुस गया है सबके यहाँ। और नाली वाली है नहीं, बनी नहीं है, रोड बनी नहीं है, नाली साफ नहीं होती। पर कम से कम अरे तुम पीछे की तो करो, सामने की रोड है, नहीं बनाए हो रोड, हम नहीं बोलते। पुल भी टूटी हुई है, पुल बनाओ। सरपंचो आके देखो, वार्ड पंचो आके देखो तुम, क्या समस्या है क्या नहीं है, तो सब मोहल्ले की समस्या आपको बताएंगे, तो समस्या हल करना इनका काम है, पंचायत वालों का। बुलाने से नहीं आते जी, बुलाने से नहीं आते। तो अभी बात की है सरपंच से तो क्या बोले? ये कर्मचारी है, वो है 8-10 जो कर्मचारी, तो ये क्या करेंगे? मेन मुद्दे वाली तो है ही नहीं है, उसको आना चाहिए। बारिश लग गई है, गाँव घर पड़ता है, भरवेली में कितने कितना पानी घुसा है। वही ग्रामीण सतीश सरवारी ने बताया कि वार्ड में व्यवस्था बनाने को लेकर कई बार ग्राम पंचायत से मांग की गई है, लेकिन पंचायत द्वारा ग्रामीणों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संजीत सरवारी, आप वार्ड नंबर 15 से क्या मांग कर रहे हैं? पूरा ये चौथा साल है, पूरा बीत जा रहा है, पर एक काम नहीं हुआ है। DPR की रोड है, रोड भी नहीं बन रही है, कुछ नहीं। कई बार सरपंच से किए तो फोन नहीं उठाता, फोन नहीं उठाता, कुछ नहीं करता, आता नहीं, एक देखने कहीं माइंड का बताता है, कहीं बताता है, कुछ भी बोलता है, सिस्टम चलो। क्या सिस्टम चलेंगे? अभी तक सिस्टम चलते आ रहे हैं, बोलते हैं ना, जैसे अभी आप पानी फोन ही नहीं उठाता। वार्ड के कई लोग फोन करते, फोन ही नहीं उठाता वो। तो अभी जो बात हुई आपके सरपंच से, आप जैसे यहाँ आए पंचायत में, क्या बात हुई? मामले का कोई हल ना निकलता देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज व अन्य युवाओं के साथ मोयल के पास चक्का जाम कर दिया। इस दौरान युवा कांग्रेसियों द्वारा टायर जलाकर मध्य प्रदेश शासन व उनके मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चक्का जाम होने के चलते पूरे 1 घंटे तक मोयल के सामने बालाघाट बैहर मार्ग बंद हो गया और यूथ कांग्रेसियों ने मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे।
बता दें कि सीएसपी मोनिका तिवारी, तहसीलदार एसआर वर्मा और स्थानीय पटवारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार वर्मा से मुलाकात कर ग्रामीणों को मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की और ज्ञापन सौंप कर आंदोलन खत्म किया। सरपंच रवि की मम्मी है। आंदोलन खत्म होने के बाद तहसीलदार श्री वर्मा, पटवारी और यूथ कांग्रेसियों ने लोगों के घर घर जाकर नुकसान का आकलन किया। चकाजाम कर किए गए प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समाज सेवी तबरेज खान ने बताया कि बारिश के पानी ने भरवेली के कई वार्डों में तबाही मचा दी है, लेकिन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए कोई भी शासन प्रशासन का पदाधिकारी नहीं आया, जिसके चलते ग्रामीणों को मजबूरी में चकाजाम कर आंदोलन करना पड़ रहा है। मुझे कल रात में जब 11 बजे बारिश हुई तो मुझे मेरे मित्र रवि शिवंशी का पता चला कि उसके द्वारा कि यहाँ पे पानी बाढ़ का सब घुस गया है और एक घंटे की बारिश में इतना ये हाल है। अगर रात भर बारिश होती तो क्या होता। ये जो नालों का और साफ सफाई का जो पंचायत के द्वारा ना सरपंच, ना जनपद सदस्य, ना सचिव और ना ही कोई प्रशासन का आदमी आके यहाँ गरीबों की सुध ले रहा है और ना ही उनसे कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ। और कल से आज रात के 11 बजे से इनके घरों में पानी घुसा है और अभी तक के भी कोई यहाँ नहीं आया। जब यहाँ आंदोलन किया गया, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन भाई उनके द्वारा मैंने उनको कॉल किया कि उन्हें फिर वो आए, हम लोगों ने चक्का जाम करके सभी ग्रामीण और इनके जनताओं के साथ यह आंदोलन करके तहसीलदार साहब को यहाँ बुलवाया और उनको सब यथास्थिति दिखाई। घरों में जितना नुकसान हुआ है किसी के घर का, जो पूरी बारिश के लिए जो आदमी राशन चाल दावल प्याज सब चीज़ें इकट्ठा करता है, उनका सब बिस्तर सोने की चीज़ें, उनको दो दिन से खाने रात से खाने के लिए कुछ नहीं है। सब यहाँ व्यवस्थाएं कराने की कोशिश की जा रही है और यही बताया जा रहा है कि प्रशासन को कि इनकी मदद करें। आज भी एक घंटे की बारिश में ये हाल है और कल को अगर रात भर बारिश होगी तो लोगों का क्या हाल होगा। तो इन नालों को और बड़ा करके इनमें बड़े पाइप लगा के इनकी व्यवस्था की जाए, यही हमारी मांग। बरवेली में ऐसे कितने वार्ड हैं? वही मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने बताया कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता तो यूथ कांग्रेस द्वारा रोजाना चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में घुटने घुटने भर पानी भर, यूथ कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा के यहाँ साफ सफाई का काम की, तत्काल में पटवारी को बुलाई, तत्काल में राहत कार्य करवाई और तत्काल में जो सर्वे होना था वो होना था, लेकिन शासन प्रशासन जागा नहीं। इसके तहत हमने आंदोलन किए, चक्का जाम करने पे हमको मजबूरी बस चक्का जाम करना पड़ा, तब जाके शासन प्रशासन जागा। लेकिन माननीय मंत्री जी के घर से कोई नहीं आया, सच में माननीय मानते नहीं हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि अब अगर नहीं जागोगे तो भरवेली की जनता आपको अपने पास आने नहीं चाहेगी, कभी घुसने नहीं देगी भरवेली की जनता वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 15 में, पूरे भरवेली क्षेत्र में। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार एसआर वर्मा ने सर्वे के आधार पर ग्रामीणों को मुआवजा दिए जाने की बात कही है। रात में पानी गिरा था, उस पानी के कारण घरों में कुछ लोगों पानी गिरा था, जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम आरबीसी 4 के तहत केस बना के कितने लोग हैं सर्वे चल ग्रामीण लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा देंगे कितना? आर्थिक साल जो प्रावधान आरबीसी 4 में जो भी प्रावधान जितनी जो हमेशा से विवादों में घिरा रहने वाला जिला अस्पताल का ट्रामा सेंटर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यह नया विवाद प्रसूता महिलाओं से जुड़ा है, जिन्हें डिलीवरी के बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा पलंग उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आलम यह है कि प्रसूता महिलाएं अपने नवजात बच्चों को लेकर फर्श पर सोने के लिए मजबूर हैं। पलंग गद्दे ना मिलने के कारण लोगों ने अपने घरों से कंबल लाकर प्रसूता महिलाओं को सुलाने का इंतजाम किया। इसके अलावा अस्पताल की महिला चिकित्सकों द्वारा प्रसूताओं का बीपी चेक करने के लिए प्रत्येक प्रसूता महिला के परिजनों से 10-10 सेल मंगवाए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन निशुल्क उपचार करने का दावा करता है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कंजई मानीटोला निवासी परमिला कनौचे ने बताया कि उन्होंने 23 जून को उनकी बहू ममता कनौचे को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, जिसका ऑपरेशन 25 जून को हुआ था, लेकिन अस्पताल से छुट्टी होने के बाद ऑपरेशन के टाके पकने लगे, जिसे देख उन्होंने ट्रामा सेंटर में बहू को भर्ती कराया,
लेकिन दो दिनों से उन्हें अस्पताल द्वारा पलंग बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं है जी, लेकिन वही है कि टाका पक गया है। कब ऑपरेशन हुआ था? 25 तारीख को। तो फिर अपने आप पक गया क्या? अब घर ले जा लिए थे, पता नहीं कैसा पका, तो फिर लाए हैं कल एडमिट किए। यहाँ बेड वेड नहीं मिला आप लोगों का? पलंग वलंग? पलंग तो नहीं मिला। तो अभी कब से हैं आप यहाँ पे? कल लाए हैं 4 बजे। अच्छा, तो उनको बोले नहीं कि भैया बेड पलंग दे दो हमको? बेड पलंग अच्छा नहीं है, तो रात में तो कोई व्यवस्था नहीं थी जी, पूरा पानी भर गया था यहाँ ना वहाँ, पूरा भर गया था, रात तो ऐसे ही बिताए। वही नेत्रा निवासी नोहरलाल बिरनवार ने भी पलंग बिस्तर न मिलने की शिकायत की है। तो अभी आए, बाकी हमारे रिश्तेदार है, पेशेंट है, तो नहीं हो पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है। कब से आए यहाँ पे यानी उन लोग? कल से आए, कल से रात से 12 बजे से। क्या परेशानी आ रही, क्या बोलते डॉक्टर लोग? नीचे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। अच्छा, यानी व्यवस्था इन लोगों ने करके नहीं दी। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए ना, सरकारी पैसा है। इसके अलावा मंगेझरी निवासी श्रीमती पूजा ने बताया कि उनकी डिलीवरी रात में हुई है, अस्पताल द्वारा उन्हें पलंग बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके चलते वे घर से लाई चादर बिछाकर अपने नवजात बच्चों के साथ सोने के लिए मजबूर हैं। कल से? कल से। अच्छा, डिलीवरी कब हुई है? रात में। तो आप लोगों को बेड वेड नहीं दिए क्या, जैसे आपका छोटा सा बच्चा है रात में डिलीवरी हुई है? नहीं दिए। तो ये चादर, ये गोदड़ी जो दिख रही है, कहाँ से? अच्छा, घर से लेके आए हैं। यानी यहाँ पे कोई ऐसी पलंग वलंग की आप लोगों को व्यवस्था नहीं थी? बच्चे को नुकसान नहीं होगा इसमें? इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में प्रसूता महिलाओं का बीपी चेक करने के लिए प्रत्येक महिला के परिजनों से 10-10 सेल लाने की मांग की जा रही है, जिसकी जानकारी धापेवाड़ा निवासी गजानंद माहुले ने पत्रकारों को दी है। कोई तकलीफ नहीं, डिलीवरी तो होगी, लेकिन मैडम सेल मंगा रही है 10 सेल। 10 सेल मंगा रही है काय के लिए? पता नहीं, बीपी चेक करने वाली मशीन बढ़ा रही है। तो ऐसा क्यों मंगा रही है? उनको बोले नहीं तक भी ये तो सरकारी अस्पताल है, 10 रुपए का एक सेल आता है, 10 सेल मंगा रहे हैं, यानी सीधे 100 रुपए की चपत दी जा रही है। तो उनको आपने बात से मंगाए जा रहे हैं कि और दो तीन को बताए बोले? तो आप लोगों ने कुछ बोले नहीं कि भैया हम नहीं देते करके? कुछ भी नहीं बोले, सब लेडीज लोग थी, उनने ला लिए, बोले सेल ला लो 10। ठीक है, क्या नाम है आपका? कहाँ से? वहीं सेल के इस खेल वाले मामले पर की गई चर्चा के दौरान धपेरा मोहगांव की सूरज टोला निवासी एक आशा कार्यकर्ता ने सेल मंगाए जाने की बात पर महिला चिकित्सक का नाम बताए बगैर सेल मंगवाए जाने की बात की पुष्टि की है। इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सिविल सर्जन एके जैन ने बताया कि अस्पताल में पलंग की संख्या कम है और मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते प्रत्येक मरीज को पलंग उपलब्ध कराना संभव नहीं है। वहीं उन्होंने सेल वाले मामले की लिखित में शिकायत करने पर संबंधित महिला चिकित्सक को तत्काल सस्पेंड करने की बात कही है। नहीं नहीं, दिक्कत क्या है दीदी, देखो आपको हम इसलिए आपकी बाइक ले रहे थे क्योंकि क्या है कि अस्पताल में ना खाने की भी चीज अगर आती है ना तो उसका भी बिल लगता है। जब इसका बिल लगता है तो वो प्राइवेट कैसे मंगा रहे थे? आपको कौन सी मैडम ने बोली थी कि सेल बुलवाओ करते उनके यहाँ? नाम नहीं पता ना, नाम ही नहीं पता। तो 10 सेल बुलवाए थे, काय की मशीन में लगते 10 सेल? बीपी की मशीन में एक बार। बीपी लेते नहीं यहाँ पर? हाँ। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है क्या? आप उनसे ही पूछो, मेरे से क्या पूछो? एक छोटी सी बाइट दिया था, कह रहा था मैं एक स्टेटमेंट तो ले लेते आपका। नहीं चलो ठीक है, वैसे कहाँ से कार्य करते हैं आप? कहाँ, कौन से वार्ड के कार्यकर्ता हैं आप? प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए नागरिकों की विभिन्न समस्याएं सुनने के बाद कलेक्टर डीवी सिंह और अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नागरिकों की विभिन्न समस्याएं तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित इस जन सुनवाई में 116 आवेदकों ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी, साथ ही उनका निराकरण किए जाने की गुहार लगाई। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोंडवा के ग्रामीण संतलाल कोमलकर ने लामता के एक ग्रामीण पर उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया।
मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अपाहिज ग्रामीण संतलाल ने बताया कि पंचायत द्वारा ग्रामीणों को 1988 में पट्टा दिया गया था, जिस पर लोगों ने अपना मकान बना लिया है, लेकिन नामता निवासी एक व्यक्ति उसकी पट्टे वाली जमीन को हथियाना चाहता है और मामले की शिकायत करने पर भी उसे न्याय नहीं दिया जा रहा है। जन सुनवाई में आए थे पिछले साल, तो दो बार दिए जन सुनवाई में, उन्होंने कलेक्टर साहब को दिया आवेदन, तो कलेक्टर साहब ने बोले कि हम तहसीलदार को दे देंगे। क्या समस्या को लेकर के आए थे? हम लोग ये समस्या लेके आए थे 1988 में वो पंचायत का प्रमाण पत्र मिला था आवास योजना के अंतर्गत, प्रायः उसी प्रकार के पट्टे पूरे गांव में हैं और मेरे पट्टे को तहसीलदार कहता है कि ये पट्टा निरस्त है, इसने अवैध कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, इसको यहाँ से हटाया जाए कह के सामने वाले को एसटी आर्डर दे दिया और वो सामने वाला मेरे को मारने पीटने की धमकी देता है। तहसीलदार साहब के पास गया न्याय मांगने के लिए, तो उसने मेरे को बोला कब्जा नहीं तो अभी 6 महीने के लिए बुक करा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब को आवेदन दिया, पुलिस आई देख पड़ताल की, उसके बाद तहसीलदार आए, उप तहसीलदार लामता की उप तहसीलदार आई, उनने बोली इसको कुआ का कार्य करने दो, तो पच्चू जायसवाल ने जो कुआ खसला दिया था उसको। वहीं इस जनसुनवाई में ग्राम पंचायत गर्रा वार्ड नंबर 9 रेलवे टोली निवासियों ने पट्टा, सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था किए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण संतोष दाते ने बताया कि रेलवे टोली में पिछले 10 सालों से 35 से 40 परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। लाइट भी नहीं वहां पे जहां हम लोग रह रहे हैं, और पट्टे भी 8-10 साल से हम लोग रह रहे हैं, पट्टे भी जारी नहीं किए गए, ना ही हमको मकान बनाने वाले कोई सुविधा मिल पाई है मकानों के बारे में। और सबसे बड़ी परेशानी तो अभी लाइट की है, लाइट वहाँ खंभे गड़ चुके हैं, केबल भी लग चुके हैं, लेकिन लाइट कनेक्शन देने को आना जाने कर रहे हैं। एक दो बार हम बिजली ऑफिस भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से बोलिंग बस 2-4 दिन में लग जाएगी, 1-2 दिन का असलामन देते होंगे, उसके बाद आते भी नहीं, कुछ देखते भी नहीं। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पर? करीब 35-40 मकान है सर, तंबू है, कुछ झोपड़े हैं, कुछ अपने छोटे मोटे मकान बना लिए हैं, उसके अलावा बाकी और कोई सुविधा नहीं है। एक थोड़ा हैंडपम्प है, पानी की भी सुविधा थोड़ी सी कम है, अभी बरसात में तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है पानी की भी। उसके बाद में सब भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक मंगलवार को हुई। जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नेत्री मौसम हरणखेड़े की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, इसके पीछे भी कांग्रेस की दुष्ट नीति थी, कांग्रेस की दुष्ट राजनीति थी। वो राजनीति क्या थी? अगर डॉक्टर अंबेडकर का वहां अंतिम संस्कार हो जाता तो उस जगह को महापरिनिर्वाण भूमि या राजघाट का दर्जा मिलता, तो एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को अगर वहां उसकी समाधि बनाई जाती है तो उसे राजघाट का दर्जा न मिले। इस दुष्ट नीति के साथ कांग्रेस के नेताओं ने रातों रात डॉक्टर अंबेडकर के पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई भिजवाया। हमें यह अवसर है, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सर दल हमारे समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे हर्ष है और खुशी है, और बताते हुए कि मैंने अजय सुखदेव जी को जब बताया, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के साथ जब मैं भी प्रवास में जाता हूँ। इस बैठक के बाद कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिला महामंत्री और ब्लॉक अध्यक्ष अजय सुखदेवे ने एक दर्जन साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस पर भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी और युवा नेत्री मौसम हरणखेड़े ने खुशी जाहिर की। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार और राष्ट्रीय सरकार चल रही है केंद्र की, उन नीतियों से प्रभावित होकर हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के कांग्रेस के
जिले के महामंत्री भाई अजय सुखदेवे और उनके समस्त उनके साथ जुड़े हुए साथियों के साथ में लगभग एक दर्जन उनके साथ जुड़े हुए साथियों के साथ उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उन सब का जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है हमारे परिवार में वो सम्मिलित हुए हैं, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनके आने पर मैं उनको बधाई भी देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा सम्मान और उनका पूरा। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व से प्रभावित होकर बालाघाट के वार्ड क्रमांक 23 और 24 में निवासरत हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के साथीगण भाई अजय सुखदेवे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं अपनी ओर से उनका भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जिस उद्देश्य के साथ हम सब आगे चल रहे हैं कि हमें भारत को मजबूत भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, सबका साथ सबके विकास की मंशा को आगे लेकर चलना है और समाज के हर वर्ग का विकास करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करना है। आइए आज के इस अवसर पर उनकी शुभकामनाओं के साथ निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूती मिली है और हमें अपने उद्देश्यों तक, हमें लक्ष्यों तक पहुँचने में पूर्णतः सफलता मिलेगी। इस संबंध में श्री सुखदेवे का कहना है कि कांग्रेस के पास ना कोई पॉलिसी है और ना ही कोई एजेंडा, वहां छोटे कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, नीति व हमारे बालाघाट विधानसभा के विधायक, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लाडले माननीय गौरीशंकर बिसेन जी की कार्यशैली और एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और आज मैं अपने समस्त साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं और आने वाले चुनाव में निश्चित ही मैं अपने साथियों के साथ अपना तन, मन, धन और खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दूंगा। कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मेरा मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है और निम्न स्तर के या कहना चाहिए कि छोटे कार्यकर्ताओं को उस तरीके से कॉपरेट नहीं करते और उनकी कार्य क्षमता को भापा नहीं गया है और तवज्जो नहीं दिया गया है। इस कारण से मैं अपने पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। वहीं इस मामले में जब कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अजय सुखदेवे पार्टी का कोई कार्य नहीं कर रहे थे, इसीलिए एक माह पहले भी उन्हें हटाकर दूसरे को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया था। उनके जाने से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी साल भर पहले उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन किया था और उसमें हमने उसको ब्लॉक अध्यक्ष भी बना दिया और हमने उनको बोला भी, आदेशित भी किया कि आप ब्लॉक का गठन करें और पूरे ब्लॉकों में काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस की विचारधाराओं से जोड़े। फिर बैठक भी भोपाल में होती थी और अपने यहाँ कांग्रेस जिला कांग्रेस की बैठक होती थी, मैं काफ़ी बार बोलता था कि बैठक में आना है। वो अपने काम में मतलब लापरवाही लापरवाही काफ़ी सारी उनकी होती थी तो उसको लेकर के क्या हुआ, अभी बीच में मैंने फिर उनको ब्लॉक अध्यक्ष पद के हटा करके कपिल डोंगरे जी को बना दिया था उनका काम देखते हुए और काफ़ी सारी अभी जितने दलित आंदोलन हुए उसमें कपिल डोंगरे जो है बहुत अच्छा सक्रिय मतलब सक्रियता थी उनकी, उनको उन काम को देखते हुए उनको मैंने बना दिया। उसके बाद इनको मैंने बोला कि काम तुम अच्छा करो, उसके बाद देखते हैं आपको अच्छे बड़े उसमें पद में बैठा लेंगे, काम करो कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ो, बस इतना ही था। लेकिन उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस में छोटे कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में अगर ऐसा तवज्जो देने वाली बात होती तो आप तो वही साल भर पहले कांग्रेस में आए और आपको ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो कई लोग जीवन उनका बीत जाता है कांग्रेस में अपना कार्यकर्ता के रूप में, तो उनको
हमने क्या मानते हैं बीजेपी ग्रहण की सदस्यता ग्रहण करने का? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो, जो समाज के बीच में रहेगा, समाज के लिए काम करेगा, समाज के अच्छे बुरे में अगर साथ में है। वाराणसी में 10 जुलाई को सीटू के तत्वाधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन द्वारा जिला स्तरीय आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए सीटू के प्रांतीय सचिव इकबाल कुरैशी, एकता यूनियन की अंजलि बिसेन और ज्योति बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। इसके बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने रैली निकाली और सांसद निवास पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सांसद प्रतिनिधि को सौंपा। अभी क्या है, सांसद जी का मोबाइल ऑफ है, क्या है, बैठक में रहते हैं तो बंद रखना पड़ता है। एसडीएम वगैरह के नाम तो नहीं है। सर, आपका परिचय? इकबाल अहमद कुरैशी, जिला अध्यक्ष वाला। सर, आज किस संबंध में आए थे सांसद? ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं, ये जो मेनका गांधी जी ने भी पिछले साल घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, और ये बात उन्होंने लगभग 250 पत्रकारों के बीच में रखी थी। ये मीडिया में सारी बातें आई थी। और अभी जो यूपीए गवर्नमेंट 2011 में इनका मानदेय 1,500-3,000 किया, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा कोई वृद्धि नहीं की गई। तो हम यही चाह रहे थे कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को, जैसे मेनका गांधी जी ने बोली है, तो समान कार्य का समान वेतन देते हुए इनको शिक्षिका का पद दिया जाए और इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करते हुए नियमित किया जाए। इसी तारतम्य में अखिल भारतीय। मेरा नाम अंजनी विजय। आज किस मांगों को लेकर आपने ज्ञापन और कार्यक्रम? आज हम लोग ने सांसद का घेराव किए हैं। जो अब हमारी राज्य सरकार की जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है, अब हम केंद्र सरकार से जो हमारी मांगे वो उसका ज्ञापन देने आए हैं। क्या क्या मांगे आपने? उसमें है हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, जो मेनका गांधी ने बोली कि 10 साल वाले को कर्मचारी घोषित किया जाए, वो अभी तक उनने 2 बार बोल चुका है लेकिन कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसलिए हम अपने जो मुंशी भगत सांसद जी हैं उनसे अपनी मांगे रखते हैं। और सांसद जी निवास पर आप लोगों को नहीं मिले? हाँ, तो अभी नहीं मिले हैं, लेकिन हम उनसे तारीख लेंगे और दूसरे तारीख में हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। क्या नाम है मैम? सर, मैं श्रीमती ज्योति बघेल, बिरसा परियोजना से अध्यक्ष हूँ। सर, मैम कितने सालों से आप अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं? हमारी तो सर अभी 10-15 सालों से हमारी मांगे को लेकर हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं, और हमारी लड़ाई आज तक की थी राज्य सरकार से। क्या मांगे थी उसमें? सर, हमारी मांगे थी हमारा मानदेय में वृद्धि होना चाहिए और हमको मतलब रेगुलर नियमित करना चाहिए। आपकी लगातार भोपाल में हड़ताल चल रही थी, उसके बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भी आपकी हड़ताल को माना था और मानदेय बढ़ाया था, अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है? हाँ सर, अभी हमारी मांगे उन्होंने पूरा किया कि हमारी 5,000 रुपये मानदेय उन्होंने बढ़ाया, हमारे मानदेय में वृद्धि किया 5,000 की, और अब हमारी लड़ाई है केंद्र सरकार से। सर, केंद्र सरकार से लड़ाई है जिनके क्योंकि हम दो सरकार की स्कीम से चलते हैं। तो केंद्र सरकार से क्या मांगे आपको? केंद्र सरकार से सर हमको नियमितीकरण और समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। और आपका जो मानदेय में बढ़ोतरी होना था, क्या वो हो गया है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, राज्य सरकार से हमारा, केंद्र सरकार से भी तक कुछ। लालबर्रा के महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। परिषद के प्रांत एसएफडी सह प्रमुख और स्थानीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुए स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। हमने कभी भी यहाँ लगातार कोचिंग, आईटीआई, बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं, जो शिक्षा का व्यापारीकरण चल रहा है, उस चीज को रोकने के लिए विद्यार्थी परिषद ने कभी भी लगातार हम आखिरी स्तर तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम अनियमितता में कहीं ना कहीं अपने कॉलेज कैंपस में ही सीमित हो गए। इन चीज़ों के लिए विद्यार्थी परिषद ने 21 जिलों में 37 कैंपस का कार्यक्रम चालू किया है। इस तरीके से अभी बीच में जनजाति का एक कार्यक्रम हुआ था हमारे पूरे बालाघाट जिले का, जो कैंप है जिसमें तीन कैंप निकले थे, हम छिंदवाड़ा के हमारे विभाग में पूरे 21 जिलों में से छिंदवाड़ा में लगा। जब हम वहाँ छिंदवाड़ा में पहुँचे तो बालाघाट का जो कैंप है वो पातालकोट में लगा था, छिंदी टोला।
आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सुख सुविधाएं और बहुत सुख सुविधाओं का अभाव है। आप सिंधी टोला जाके देखिए, सिंधी टोला मतलब जब हम पातालकोट उतरते हैं तो 22 किलोमीटर आपको नीचे उतरना होता है, 22 किलोमीटर नीचे जमीन पे पातालकोट। और वहाँ के जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ऊपर पढ़ने के लिए, लगातार सुबह 8 बजे निकलते हैं तो 11 बजे उस हायर सेकेंडरी के एडमिशन लेने के लिए उन्हें तामी आना पड़ता है या सिंधी टोला आना पड़ता है। लड़ाई लड़ता है, उसकी समस्याओं की लड़ाई लड़ता है ना कि और किसी प्रकार से आप लोगों को मिसगाइड करता है या गुमराह करता है। मैं फिर पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब हम विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे 2010 से लेकर 13 तक लालबर्रा महाविद्यालय जिले में टॉप करता था, हमने हर क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की। नेशनल हमारे यहाँ से खिलाड़ी खेलने गए, हर क्षेत्र आप खेल का स्तर उठाइए, पढ़ाई का स्तर उठाइए, हमने हर स्तर पे नाम कमाया है, लगातार समस्याओं को उठाया है। मैं बताना चाहता हूँ सामने जो वहाँ पर अभी आईटीआई लगती मिनी आईटीआई, यहाँ पर हमारा महाविद्यालय सबसे पहले प्रारंभ हुआ 2010 में। 2010 में प्रारंभ हुआ, पहली छात्रा चेतना चौरसी उसमें एडमिशन ली, उन्होंने पहली छात्रा ने 186 विद्यार्थियों ने पहले साल में प्रवेश किया, लगातार दूसरे साल भी 186, तीसरे साल भी, पिछले साल 224 करीब विद्यार्थी, 543 हमारे टोटल महाविद्यालय में विद्यार्थी छात्र छात्रा थे। आज की तारीख में बड़ी सौगात मिली है। मेरा मानना है कि बहुत से लोग अभी भी बीएससी पढ़ने बालाघाट नहीं जा पाते, खासतौर से छात्राएं, आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, 12वीं के बाद उन्होंने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को झेला है, और साथ ही एमए भी बहुत से लोग 70% लोग बीए करने के बाद यहाँ पे एमए करने बालाघाट नहीं जा पाते थे क्योंकि आर्थिक समस्या रहती थी, समस्याओं के साथ बस में आना है जाना है, लड़की और लड़कों को बहुत दिक्कत हो जाती है। ये दोनों आपका परिचय? मेरा नाम सुमित गुप्ता, सचिव छात्र संघ लालबर्रा। कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर साल के अनुसार आज कल 9 जुलाई को स्थापना दिवस था, जो कि आज महाविद्यालय में आयोजित किया गया है 70वीं वर्षगांठ के तौर पर। कौन कौन उपस्थित हुए थे इसमें? आज हरीश गुप्ता जी, जिला विभाग संयोजक तथा SFD प्रांत सह प्रमुख, इन्हीं के साथ साथ हमारे बीच विजय दामड़े जी, जिला सह संयोजक ABVP, तथा सभी कार्यकर्ता और प्रसन्न अवधिया जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। क्या संदेश दी छात्राओं को यहाँ पे? छात्राओं को बताया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके ज्ञानशील एकता के बारे में, अखिल विद्यार्थी परिषद से उन्हें परिचय कराया गया। इसी के साथ साथ फिर उसी के बाद वृक्षारोपण कराया। लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10 जुलाई को पालक शिक्षक संघ की बैठक आहूत की गई, जिसमें संस्था में स्टेनो विषय संचालित करने का निर्णय लिया गया। पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों की सहमति से संस्था में पढ़ने वाले स्टेनो विषय के बच्चों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का निर्धारण तथा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रभारी प्राचार्य सुश्री रश्मि झा, पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष गुंचीलाल बिसेन, उपाध्यक्ष श्रीमती चित्ररेखा हरिनखेड़े, श्रीमती मंजू डोंगरे और श्रीमती मोना गेडाम सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बंद करने के पीछे मेरे को बड़े जोर से कोई नाराजी नहीं, पर बच्चे एकदम कंट्रोल के बाहर हो रहे थे और उनकी पढ़ाई नहीं हो रही थी एकदम। मैंने ये उपाय सोची थी उसका कि तो बंद ही कर दो, जब बंद करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता बच्चे चाहिए ना, सॉल्यूशन उसका नहीं, बंद करना सॉल्यूशन नहीं। अरे उनको रसीद देंगे मैडम, अलग से रसीद तो देंगे ये बंद। अरे पर वो भी रहेगा आपके पास एक सबूत के लिए, हाँ सबूत के लिए तुम्हारी मर्जी से की है। जी मैडम, आज पालक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई, क्या निर्णय लिए? इसमें हमारी पालक शिक्षक संघ की बैठक में स्टेनो विषय को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया, और क्योंकि कक्षाएं दो हैं, 11वीं और 12वीं बच्चों की संख्या ज़्यादा है और एक ही शिक्षक ये विषय पूरे नहीं पढ़ा सकता है, इसके लिए हमने दो अन्य शिक्षकों की भी व्यवस्था की है, और स्टेनो के दो अन्य शिक्षक तथा पुराने हमारे एनके कटरे सर की सैलरी की व्यवस्था के लिए बच्चों से पर हेड 1 साल में 1,500 रुपये शुल्क लेने का निर्णय किया गया है, और इससे उन शिक्षकों की सैलरी दी जाएगी
और इनके प्रैक्टिकल में जो आवश्यक सामान लगता है उसकी व्यवस्था करेंगे और इसका हम खाता भी अलग रखेंगे और कोई भी व्यक्ति कभी भी इस मद से होने वाले खर्चे की पूरी जानकारी ले सके और जो पैसा वर्ष के अंत में बचेगा उससे हम स्टेनो के बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं जिसमें कमी पंखा है, टेबल कुर्सी है, टाइपिंग मशीन आदि की व्यवस्था। कायदी स्थित माँ वैष्णो देवी के मंदिर के पीछे पहाड़ी में स्थित विद्युत पोल पर आकाशीय बिजली गिरने से वारासिवनी क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव में कई घंटों तक अंधकार छाया रहा। विद्युत विभाग को सूचना मिलने पर सुधार कार्य किए गए और कड़ी मशक्कत के बाद सुधार कार्य करने पर मंगलवार को 1 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाई। आपका नाम क्या सर? बाबूलाल पटले। आप क्या हैं यहाँ पर एमपीवी में? पाइपलाइन में। अच्छा, जो तार टूटा है काफ़ी टूटा, क्यों टूटा है ये? रात में टूटा है गर्जन से, क्या है बादल में गर्जन होती ना, हाँ। उससे क्या है दड़ित चालक कारण वो इंसुलेटर फट गया। अच्छा, तो इंसुलेटर फटने से तार लोहे पे आ गया, लोहे के आने पर टूट गया। ये तो बार बार जोड़ लगे हैं यहाँ पर, ये क्या है ये? ये वही फॉल्ट होने के कारण ज्वाइन करते रहते हैं। ये कितने साल पुराना होगा वायर? कम से कम होगा 70-75 साल। अभी कोई सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया? कुछ तार चेंज किए थे पर इतने मजबूत तार नहीं आते पहले जैसे। तो ये बहाल कब तक हो जाएगी? बस अभी 2 घंटे में चालू कर। खंभा जला हुआ है, कैसे जला ये? ये क्या है कि बिजली को अर्थन नहीं मिलने के कारण वो जला है। इस समय पोल गल गया पूरा, 2010 की बात की है। अच्छा अच्छा, उस समय दूसरा खंबा खड़ा करके लाइन चालू कर दी गई जो अभी यही खंबा है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के सफल क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक प्रबंधक पीएस धनवाल ने बैंक से संबंधित जिले की सभी 126 प्राथमिक कृषि साख समितियों के प्रबंधकों से योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों, ऋण की वसूली सहित अन्य बिंदुओं को लेकर 1-to-1 चर्चा की। साथ ही बैठक में उन्होंने योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों की बैठक आहूत की गई है। उसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत जो किए जा रहे समझौते हैं और वसूली अभी तक जो आई है और जो प्रयास किया जाना है उसके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। साथ ही वर्तमान में खरीफ सीजन 2018 स्टार्ट होना है, इसमें सभी कृषि आदान सामग्री जैसे खाद बीज आदि समय पर किसानों को उपलब्ध हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु अधीनस्थों को समझाए तो निर्देश जारी किए जाएंगे। देखिए, बालाघाट जिले में जहाँ तक मैं गत 3 वर्षों से पदस्थ हूँ और मेरा जो तजुर्बा है यहाँ पर, जब मैं जिस वर्ष आया था उस वर्ष मात्र 300 क्विंटल का धान का बीज यहाँ पर वितरण किया था और अभी लगभग हमने 3000 क्विंटल का बीज समितियों में भंडारित किया गया है। तो यह तो सही है कि समितियों के माध्यम से आप मांग अनुरूप हर वैरायटी का बीज उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन जो शासन के द्वारा अनुमोदित बीज हैं और बीज उत्पादक सहकारी समितियों के द्वारा जो उत्पादित बीज है वो उप संचालक कृषि के निर्देश पर हमने पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया हुआ है। विद्युत विभाग पर बेवजह विद्युत कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए बूढ़ी क्षेत्र के कई लोग बीती रात बूढ़ी स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे। यहां लोगों ने बूढ़ी क्षेत्र में चाहे जब बिजली कटौती किए जाने पर आक्रोश जाहिर किया। रोज कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पे बूढ़ी क्षेत्र जो है उसकी लाइट को काटने का काम विद्युत विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्व भी कल का आप देख सकते हैं कि कल दिन भर मेंटेनेंस के नाम पे बूढ़ी क्षेत्र की लाइट को गोल करने का काम किया गया है और कल सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक के बूढ़ी क्षेत्र की लाइट गोल रही है। उसके पश्चात कल शाम को 5 बजे से जो वर्षा बूंदा बूंदी के रूप में हुई है
तो उस बूंदा बूंदी के रूप में भी कल कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के द्वारा बूढ़ी की लाइट को काटने का काम किया गया है, और जो निचला तबका है कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के नाम पे उसका हनन कर रहा है। तो विद्युत विभाग जो ये द्विमुखी रूप जो अपनाए हुए है, तो हम विद्युत विभाग का हम विरोध करते हैं कि विद्युत विभाग जो है वो मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ बूढ़ी की लाइट काटता है, न कि अन्यथा शहर के किसी अन्य स्थान की लाइट काटता है। चूंकि अभी रात के 11 से 11:15 बजने का समय हो रहा है, और मेंटेनेंस के नाम पे चूंकि इतनी अधिक वर्षा नहीं हुई है, और उसके बाद भी चूंकि इससे पूर्व कल मेंटेनेंस के नाम पे दिन भर लाइट गोल की गई है, और विद्युत विभाग के द्वारा अभी ये बोला जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पे जो लाइट काटी गई थी वो ठीक है, लेकिन आज हमारे एक ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ पे हमने अभी विद्युत विभाग के ठाकरे जी से हमने बात की है, और हम उन्हीं के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश से कोसमी के भी हाल बेहाल हो गए। तेज बारिश के दौरान काफी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखी गई। क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि तेज बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया। वहीं क्षेत्र की स्थिति देखकर सरपंच और जनपद उपाध्यक्ष भी श्रमदान में जुट गए। जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बूरे ने खुद अनेक क्षेत्रों में श्रमदान कर पानी निकासी का रास्ता बनाया। जुगल बम्बूरे, जनपद उपाध्यक्ष, बालाघाट। सर, आज ग्रामीणों के साथ में श्रमदान करके आप नालियों की सफाई कर रहे हैं, क्या है पूरे? अभी ये पहली बारिश हुई है, तो उससे क्या हुआ है कि नाली वाली सब चोक थी। अब पंचायत को मैंने फ़ोन लगाया तो सचिव ने फ़ोन उठाई तो भैया बोले मैं भेजती हूँ। उस तक के मोहल्ले में थोड़ा सा वो होने लग गया, तो घबरा गए लोग कि पानी घुस मत जाए करके। तो हमने सभी से गुजारिश करी, रहने वाले जो भी हमारे मोहल्ले के हैं, मेरे गृह निवास है यहीं पे, सभी से गुजारिश की और सबसे सबके साथ मिल के अपने श्रमदान करके स्वच्छता अभियान चलाएँ। और सभी से मेरा जनप्रतिनिधियों से कहना है कि हम सरकार के भरोसे तो ठीक है, रहना चाहिए, लेकिन पर्याप्त अमला कभी कभी नहीं हो पाता है। इसलिए जनप्रतिनिधि अपने स्वच्छता अभियान के तहत जागरूक करने के लिए लोगों को खुद भी अपना श्रमदान करें, उससे देश और सभी जगह पे अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा, कल जो शाम के समय जो बारिश हुई लगातार एक दो घंटा, उसकी वजह से हालत बना? हाँ, क्या पानी बहुत तेज गिर गया और नाली वाली चोक थी, उसके कारण जल जमाव हो गया। एक दो घर में थोड़ी क्षति भी हो गई, थोड़ी बहुत हल्का सा पानी हल्का सा घुसा, ज़्यादा नहीं घुसा। इसी तरह सरपंच गगन नकपुरे ने भी श्रमदान किए। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद काफी कार्य किए जाने हैं। लगातार रात्रि में जो हुई बारिश के चलते काफ़ी जलभराव की स्थिति बन गई थी, कुछ घरों में भी पानी घुस गया, और आज लोगों ने वहाँ पर श्रमदान करके उस पानी को बाहर निकाला है। सर, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और क्या रणनीति बनाई जा रही है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? वर्तमान में बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है, और बारिश में प्रतिवर्ष लगातार भारी बारिश से कुछ वार्ड ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ पर अभी नाली निर्माण का काम नहीं हो पाया है। स्थिति को हम कहीं ना कहीं सुधार करने का प्रयास ग्राम पंचायत की ओर से करते हैं, और वर्तमान में आप देख भी रहे हैं कि कुछ वार्डों में नाली का काम बहुत तेज़ी से चालू है, और वार्ड नंबर 16 जो है वहाँ सारा जो किसानों खेत का जो पानी है उस नाले से आता है, जिसका इस्टीमेट भी हमने तैयार कर लिया है, और कुछ ही दिनों बाद जो है बारिश के मौसम के बाद वहाँ पे एक बड़ा नाला RCC नाला जो है वहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे और वहाँ एक पुल निर्माण भी होना है, जिसका एस्टीमेट भी लगभग बन चुका है। TSES के लिए हमने उसको भेज दिया है जनपद में, और जैसे ही TSES होता है सबसे पहले वो जो पानी निकासी का रास्ता है, जो पुल है उसको बनाएंगे, उसके बाद हम नाला जो है नाला का भी हमने बहुत बड़ा एस्टीमेट तैयार करके रखा है। चूँकि वहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम अपने जो ख़राब व्यस्त चीज़ें जैसे पॉलीथीन हो गया, कचरे हैं, घोड़े हैं, लकड़ी हैं, उनको हम नाली में डाल देते हैं, जिस कारण से वहाँ प्रतिवर्ष पानी का भराव भी एक मुख्य कारण बन जाता है। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा और हम सबको समझना पड़ेगा, हमारी पर्सनल जिम्मेदारी भी है कि हम कैसे अपने घरों के आजू बाजू जो है साफ सफाई का वातावरण बनाए रखें, जिससे कि नाली जो है बंद ना हो, और जो घोड़ा है उसको भी हम कम से कम एक टैंक बनाए और जो नाली में ना जाए उसका, और कई बार अगर लकड़ी रख देते हैं, कहीं गोबर फेंक देते हैं, इस तरह की व्यवस्था को हमको स्वयं को बदलना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान में सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी होगी। ग्राम पंचायत में एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में काम चालू है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
देवरबेली के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से हुई फायरिंग, दो नक्सली गिरफ्तार, बाकी भागने में कामयाब। एक पर 4 लाख का तो दूसरे नक्सली पर था 25,000 का इनाम। भरवेली के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी, गृहस्थी का सामान हुआ खराब, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मरीजों के परिजनों ने मचाया जमकर हंगामा, अव्यवस्थाओं के बीच महिला चिकित्सकों पर लगाए कई गंभीर आरोप। बारिश से कोसमी के कई घरों में घुसा पानी, जनप्रतिनिधियों ने किया श्रमदान। और जनसुनवाई में पहुंचे 1 सैकड़ा से अधिक फरियादी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।